अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे, खैर से होंगे। आज जी हमें जाना है एक जगह, जो हमारी फैमिली दावत है तो उसकी तैयारियां हो रही हैं, तो हम जल्दी जल्दी से अब प्रेस करेंगे अपने कपड़े और फिर लेके चलेंगे हम आपको साथ में। यहाँ पे मेरे पास जो है ये मसाजर है जिससे मैं अपना मसाज करती हूँ। ये मैं लेके आई थी, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल भी होता है और इससे बहुत अच्छा मसाज भी होता है। तो आपने जैसे इसको यहाँ से ओपन करना है, इसकी स्पीड इधर से ही जो है वो कम और ज़्यादा होती है। मिट्टू बैठे हुए हैं, यहाँ मसाज होगा। मैं आपको बताती हूँ, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है तो फिर आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब इसकी स्पीड को अगर तेज़ करना है तो वो यहाँ से तेज़ होगी इस तरह। इसमें और भी मोड आते हैं, इसमें और भी मोड आते हैं जिससे आपकी कमर में जो इस दर्द होता है वो ठीक हो जाएगा, आपके जो घुटनों में दर्द होता है। तो ये बेसिकली बहुत अच्छी चीज़ है, ये मैंने हारिस के लिए ली थी और इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारे कपड़े प्रेस हो रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे। सर्दी इतनी है कि भाई इस तरीके ने भी काम करना छोड़ दिया। उसने कहा नहीं भी, मैं नहीं चलूँगी आज किसी भी सूरत हाल में, मुझे मत चलाओ। जी है सबरीना का, ये भी हम साथ साथ प्रेस करते जाएंगे। जी टाइम निकलने का, तो जाहिर सी बात है एक गाड़ी में तो सवार नहीं सकते, तो दो तीन गाड़ियाँ हमने इकट्ठा करी और फिर सबको इकट्ठा कर लिया। सारे उसमें खाला थी, मामू भी थे, सब थे, तो बड़ा मज़ा आता है। लेकिन सारे जो लोग होते हैं वो सर से शाय हो जाते हैं कैमरे में। जाएंगे हम वेन्यू पे, वेन्यू हमारा थोड़ा सा दूर है, यानी कि हमें हाईवे पर जाना है, जो कराची और हैदराबाद का मोटरवे होता है वो नहीं, जो हैदराबाद टू इस्लामाबाद एंड मुल्तान का मोटरवे होता है उस पे द न्यू कबाब जी हाउस खुला है, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दूँगी, अगर आप हैदराबाद से हाईवे पर जा रहे हैं और अगर आप कबाब जी रास्ते में आ जाते हैं और अगर आपने उसका खाना ट्राई करना है तो यू हैव टू गो, यू मस्ट ट्राई द फूड। वहाँ की फिश बहुत ही ज़्यादा कमाल की और सूप तो बहुत ही ज़्यादा औसत है। तो आपने पूरा व्लॉग देखना है और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो आपने स्किप नहीं करना है, उसका लाइक कर देना है, और अगर नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, देख के चले जाना है। मोटरवे जी आ चुका है और मेरे घर से ये इतना दूर था, तकरीबन एक घंटे की मुझे ड्राइव लगी थी, यानी भाई चला रहा था तो उसने बताया था मोस्ट प्रॉबेबली आपको एक से डेढ़ घंटा लगेगा और आप फिर कबाब जी पहुँच जाएंगे और फिर खूब खाना पाना पोड़ेंगे। तो बहुत मज़ा आ रहा था ये सोच के यहाँ पे खाना ज़्यादा इंजॉय करना है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट खाना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। अगर आप लोग जो हैं वो सिर्फ मियाँ बीवी जाना चाहते हैं सबको अकेला घर में छोड़ छाड़ के, तो फिर आपकी जेब अच्छी खासी खर्च हो जानी है। लेकिन अगर आप सब कोविल बाइट के लेके जाना चाहते हैं तो ये है कि सारे लोग कॉन्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, एक माहौल बन जाता है, गपशप हो जाती है, VIP सेटअप हो जाता है और फिर जो है सारे लोगों पे जेब भारी नहीं पड़ती, क्योंकि जब सब मिलके जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। दैट वी कॉल द गेट टुगेदर। अच्छा जी, कबाब जी इसकी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ कि यहाँ पे एक फ़न लाइन है, एक फ़न डे लाइन है जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं फॉर 30 to 40 minutes ताकि आप सूप्स इंजॉय कर लें। क्योंकि अक्सर खवातीन का ये मसला होता है कि वो बच्चे हुए जो होते हैं वो बैंगल्स पहुँच रहे होते हैं, और मेरे साथ ये होता है कि मैं पहन के हील ज़रूर जाती हूँ बट मेरे पास कम्फर्टेबल अपनी स्लीपर्स होती हैं, या जो है वो मेरी मम्मा की स्लीपर्स होती हैं। मम्मा की तो मैं हर चीज़ की दुश्मन हूँ, स्लीपर हो चाहे कपड़े हो, तो मैंने फ़ौरन चढ़ा लेने होते हैं, तो मैं वो स्लीपर ज़रूर रख के आई थी। क्योंकि जब फ्रंट लाइन में मैंने सभी, जब आपके बच्चे जो होते हैं ना वो नकली बिल्लियों को, बिल्लों को और डग्गूज वगैरह को और एलिफेंट वगैरह को देख लेते हैं ना, तो उनकी रूह को जैसे बड़ा सुकून मिलता है तो वो अपनी अम्माओं को भी सुकून दे देते हैं। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ भी सीन था, ये जो बिल्ला मामा था ना ये आ चुका था, जिनको देख के सभी ना बड़ी कोई खुश हो गई थी कि जैसे बड़ा ही मज़ा आया। तो बच्चों की जो साइकोलॉजी होती है ना वो माएँ समझ सकती है, और दूसरा जो होता है वो पूछता रह जाता है अब ये क्या कह रही है, अब ये क्या कह रही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा था, ये आ गया मज़ेदार सा अमेरिकन बीफ सिज़लर बारबेक्यू, बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। बट ये था, ये अल्फ्रेडो पास्ता आ गया, ये जो सिज़लर था ये थोड़ा सा टैंगी था, थोड़ा सा च्यूई था,
उसको ज़्यादा चबाना पड़ रहा था क्योंकि हमें लग रहा था कच्चा है, ये कच्चा नहीं था, अमेरिका में सब ऐसे ही खाते हैं, तो कोई बात नहीं भाई हमने भी खा लिया, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा ये जो थी ना हमने मंदी मंगवाई थी, ये बेसिकली बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन इसमें हम लोगों ने आराम से खाना खा लिया था। ये दो मंदी थी, इसको कहते हैं आप मटन मदबी, मटन मंदी मदबी ये ज़रूर मंगवाना है आपने। उसके साथ आपको मैश पोटैटोज़ मिलेंगे, आपको स्टर फ्राई वेजीज़ मिलेंगी। उसके बाद जी बहुत सारी चीज़ें मंगाई थी, आप डिटेल तो दे नहीं सकते क्योंकि सबरीना मैडम ने हमारे कान खा लिए थे। इन दी एंड हमने जो था वो चीज़ केक और कुनाफे पे इख्तिताम करा क्योंकि हमारे पेट पक चुके थे। तो आपने सोचा अब कुनाफा जो था वो हमसे बिल्कुल ही खाया जा रहा था, पर ये जो राइड्स थी ये आ गई थी दोबारा से। सबरीना को उन्होंने डाला राइड के अंदर, उन्होंने कहा चलो भाई मम्मा को आप इन्जॉय करने दें। ये देखें जी मैंने जो है ना अपने स्लीपर्स वो पहन ली हैं और जो मैंने शशके वशके मारने थे, जरा तस्वीरें वस्वीरें पिक्चर्स लेनी थी वो मैंने लेनी थी हील में। उसके बाद जी मैंने ये जो था वो ले लिया था। इन दी एंड हम जब बाहर निकले तो पान था बहुत मज़े का, तो हमने पान इंजॉय करा, फिर हम घर गए और हम बड़ा थक गए। इसी के साथ हमारा व्लॉग एंड होता है और हम घर पहुँच गए थे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप छोरी छुपे ना देखा करें, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें करें। और जी नेक्स्ट व्लॉग आएगा मज़ेदार सी रेसिपी का, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।